बीजेपी का खेल खराब करने और लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद इंडिया अलायंस की नजरें विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हैं। कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और जोर शोर से उसका प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा दाव फंस रहा है वह है सपा के जरिए कांग्रेस से की गई डिमांड। सपा का कहना है कि जब तक वह डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक यूपी में हो रहे 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कोई बात नहीं होगी। सपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों की डिमांड की है। इस साल इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। सपा का मानना है कि कांग्रेस को उन्हें इन दोनों राज्यों में कुछ सीटें देनी चाहिए और गठबंधन का धर्म पालन करना चाहिए। अगर कांग्रेस को यूपी में सीट चाहिए तो उसे इस डिमांड को मानना होगा। इस पूरे मुद्दे पर सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि सपा चाहती है कि महाराष्ट्र और हरियाणा गठबंधन में उन्हें सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि यूपी में कांग्रेस को कुछ सीटें दी गई हैं, इसलिए महाराष्ट्र और हरियाणा में सीट के वो हकदार हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए यह जरूरी है कि सभी दलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए और सीटों का बंटवारा उचित तरीके से हो। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि सपा का गठबंधन कुछ मुद्दों पर हुआ था, जैसे कि जाति जनगणना, संविधान और अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर यह गठबंधन बनाया गया है, इसलिए यह गठबंधन बरकरार रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन करती आई है और आगे भी करेगी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह डिमांड कांग्रेस और सपा के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है। कांग्रेस के लिए यूपी में सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में सपा की मांगों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियां इस स्थिति को कैसे संभालती हैं और किस तरह का समाधान निकालती हैं। उपचुनावों के नतीजे न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को सामंजस्य और समझदारी से काम लेना होगा ताकि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा पेश किया जा सके। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सपा का यह कदम यूपी की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने की एक रणनीति का हिस्सा है। सपा को उम्मीद है कि कांग्रेस इनके इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेगी और जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। वहीं कांग्रेस के कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व इस मांग पर विचार कर रहा है और जल्द ही गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ बैठकर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गठबंधन में सभी दलों के हितों का ध्यान रखा जाए और कोई भी दल असंतुष्ट न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस और सपा के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनती है तो यह गठबंधन को और मजबूत करेगा और आगामी चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा तैयार करेगा। दूसरी ओर अगर यह विवाद सुलझता नहीं है तो यह गठबंधन में दरार भी पैदा कर सकता है, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। इसके अलावा जनता के बीच भी इसी मुद्दे पर चर्चाएं हो रही हैं। लोग यह देखना चाहते हैं कि कांग्रेस और सपा किस प्रकार से इस मुद्दे का हल निकालती है और क्या वो एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो पाती है या नहीं। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि अन्य गठबंधन सहयोगी दल इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।